अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस काम के अंदर इंगेज करना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाने के अंदर उनको मौका देना चाहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको हम तीन तरीक़ों से देख रहे हैं। तीन तरीक़ों में से एक तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है कि आपके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपने टाइम देकर किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा सोशल क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन है कि आप एक कंपनी को उसकी प्रोडक्ट को आगे बेचने के अंदर मदद करते हैं या उसको प्रमोट करने में मदद करते हैं। और तीसरा है कि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कि जहां उसको पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, सारे काम हर आदमी ना करे शायद, लेकिन हम इन तीन एरियाज़ के अंदर चाहते हैं कि वो हर पाकिस्तानी जो बाहर ओवरसीज़ है वो इन तीन एरियाज़ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तरीक़ेकार उसका सिंपल है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आप वो टेक्सटाइल का उसका काम है और आपको टेक्सटाइल का, गारमेंट्स का तजर्बा है, या रिटेल का है तो आपको रिटेल का तजर्बा है, सो यू बिकम पार्ट ऑफ दैट एडवाइजरी ग्रुप। तो आप उसके एडवाइजरी बोर्ड पर आ गए, आपने कोई 20-30 घंटे साल की कमिटमेंट की और उसके बदले में आपको हम जो हैं रिवॉर्ड के अंदर एक्विटी उस कंपनी की प्रोवाइड करें। इसी तरीके से अगर आपने किसी को सेल करने के अंदर मदद की, उसकी कोई सेल होगी या आपने कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करा दी, तो उसके रिजल्ट के अंदर एक उसकी फेयर वैल्यू आपको एज अ कमीशन या जो भी आप उसको कह लें, यू कैन टेक इट एज एन एक्विटी इन द कंपनी। इसी तरीके से अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आपको एक डिस्काउंट दिया जा सकता है एक्विटी के ऊपर, जो अगर आप एक डॉलर लगा रहे हैं तो आपको $30 की या $25 की एक्विटी दे दी जाए। तो इस तरह हम ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो इस सिस्टम के अंदर आके कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें जो तरीक़ेकार हम लेके चलना चाहते हैं उसमें तीन टीयर्स हैं लोगों की, डिपेंडिंग के आप कितनी कमिटमेंट करना चाहते हैं इस काम के अंदर। जो टीयर 1 लेवल 1 है उसको हम लीडरशिप क्या कहते हैं अपना सर्कल कह रहे हैं। लीडरशिप सर्कल के अंदर सिर्फ 50 लोग होंगे और वो 50 लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटेड होंगे इस काम को करने के लिए। टीयर 2 के अंदर जिसको हम कोर कह रहे हैं वो उसमें 100 लोग होंगे और वो 100 लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटेड होंगे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद 850 लोग जो हैं वो रेगुलर इसके मेंबर होंगे, तो ये टोटल 1000 मेंबर होंगे जो 1000 लोग इन 100 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये स्टार्टअप्स आए एक दिन के अंदर नहीं आएंगी, 2022 तक हमारा टारगेट है कि 100 तक हम पहुँचें। हर क्वार्टर हम 10 आइडियाज़ को पिक करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। आपके पास अच्छा आइडिया आप भी ला सकते हैं और आप खुद बेनिफिट कर सकते हैं इस प्रोग्राम से, अपनी स्टार्टअप को पाकिस्तान की यंग जनरेशन से अच्छी टीम पिक करके और उनको आगे लेके जाएं, अपने आइडिया के ऊपर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करें। दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़, ये सब पॉसिबिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। और अगर आप इस 1000 के ग्रुप के अंदर नहीं आना चाहते और खाली वैसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप एक मेंटोर के तौर पे रजिस्टर हो सकते हैं और एज अ मेंटोर जो है वो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं वॉलंटियरली। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप ये जो 1000 का हमारा टारगेट है मेम्बरशिप का, आप उसके अंदर आ जाइए। और अगर आप सिर्फ जब आपके पास टाइम हो, आप टाइम देना चाहते हैं एज अ मेंटोर, तो आप एज अ मेंटोर रजिस्टर कर लें। तो प्लीज़ आइए, हर तरीके से आपके लिए हमने सहूलत पैदा कर दी है। प्लेटफॉर्म मौजूद है, लोग मौजूद हैं, आइडियाज़ मौजूद हैं और हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी है। अब आप आएंगे तो इसको हम एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी वीडियोस वॉच करने का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी ऑनलाइन मैं इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेते हुए देखूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।